हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी बहुत बहुत स्वागत है आपका एम पी अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर और uh, मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि uh, मतलब इतने सारे बच्चे हैं सुबह से गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मैम मतलब एक बेस्ट फीलिंग थी पता थैंक यू थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू थैंक यू सर आशीष सर पलक मैम और uh, अनुराग सानू आप सभी लोग को बहुत बहुत सारा थैंक यू और वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको पता है मतलब यहाँ पे जब मैं ऑफिस आ रही थी उस टाइम पे आने के टाइम पे सबसे बेस्ट पार्ट अभी तक की मॉर्निंग का सबसे बेस्ट पार्ट था कि एक बच्चा था अपने मम्मी पापा के बीच में बैठा हुआ था वो और स्कूटी से जा रहा था उसको उसकी उसकी जो स्माइल थी ना इतनी अच्छी थी इतनी अच्छी थी देख के दिल खुश हो गया बहुत प्यार से हंस रहा था वो मतलब दुनिया की अगर किसी को खुशी मिली हो तो लग रहा था उसी बच्चे के पास है बहुत प्यारी मतलब मासूम सी स्माइल बहुत अच्छी थी आज का दिन बहुत अच्छा है और मतलब मेरा दिन बनने के पीछे तो आप ही लोग का कारण रहता है मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है मैं कल ही अपनी मम्मी से बात कर रही थी तो मैंने बताया कि मम्मी सब लोग इतने अच्छे से रहते हैं इतने अच्छे से बात करते हैं मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं धीरे धीरे इतने अच्छे से कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मम्मी कहती है धीरे धीरे पढ़ाते जाओ तुम मेहनत करो सब सही हो जाएगा हेलो अनुराग सर हेलो शिवराज सिंह गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अच्छा मेरा नया नाम रखा गया है हृदय सर थैंक यू थैंक यू सर गुड मॉर्निंग ओके बिल्कुल मैं खुद चाहती हूँ कि हमारी क्लास इंक्रीज हो हम एक बड़ी फैमिली के रूप में सामने आए जो भी हमें देखे एक एग्जाम्पल की तरह देखे कि इतने कम टाइम में इतने अच्छे लोग और इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग सेलेक्ट हो गए हैं और हाँ मजाक अपनी तरफ है खुशी अपनी तरफ है लेकिन ध्यान रखिएगा कि पटवारी की वैकेंसी आ गई है हमारे मध्य प्रदेश में आपके एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है अभी अगले साल 2023 में चुनाव होने वाले हैं वैकेंसीयों की भरमार रहेगी चाहे आप एमपी की बात करें या फिर और कहीं भी बात कहीं किसी भी स्टेट की बात करें तो थोड़ा सा सतर्क रहें अपने फ्यूचर को लेके आज सुबह सुबह मैं के उठी थी तो मुझे बस यही लग रहा था कि यार ये जो मेरा पार्ट था सोने वाला ये अब अब नहीं आएगा पूरे दिन में अब जा में जाके सीधे रात लेटना होगा तो ये जो टाइम जा रहा ना दोबारा नहीं लौट के आता तो आप इस टाइम को भी अपना संभाल के रखें सब कुछ चला जाएगा दोबारा लौट के आएगा लेकिन ये जो टाइम जा रहा है आपकी पढ़ाई का ये नहीं ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा फिर सिर्फ सीख देने लायक रह जाती है चीज़ें कि यार हम उस टाइम पे होते पढ़ लिए होते तो आज हम यहाँ ना होते हेलो उमेश सर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है पटवारी के सलेबस में सर आपका जी एस जी के आपका स्टैटिक आपका एम पी जी के आपका हिंदी मैथ्स रीजनिंग जनरल इंग्लिश ये सब कुछ पूछा जाता है शुभम सर बिल्कुल आपको लखनऊ से गुड मॉर्निंग कह रहे हैं तो आपको भी यहाँ से मध्य प्रदेश के इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं है ना बहुत लेट हो गया ऑलरेडी हम लेट हैं आज थोड़ा स्टूडियो का चक्कर पड़ रहा था इधर उधर का तो हम लोग थोड़ा सा लेट हैं चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ बोर्ड हमारे रो रहे होंगे मैडम ध्यान नहीं देती है आज तो एक ही बार में हो गया कितनी अच्छी बात है आज बोर्ड ने भी सांध दिया एक ही बार में सेलेक्ट हो गया ठीक है तो यह आप लोग के लिए कि आज थोड़ा मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा बस उम्मीद छोड़ उम्मीद मत छोड़ना भविष्य जरूर बेहतरीन होगा बेहतर से बेहतरीन की तरफ अरे सत्रह नहीं आज उन्नीस बच्चे हैं आज उन्नीस बच्चे हैं आप ही लोग के कारण है सब आप लोग के कारण है मैं यहाँ पे अभी खुश होकर खड़ी हूँ इसका भी कारण आप ही लोग हैं है ना तो मैं कितना भी आप लोगों को थैंक यू बोलूँ वो कम पड़ेगा कि अभी स्टार्टिंग में इतनी अच्छी स्टैंड चल रही है हम लोग की बहुत अच्छा लगता यार। थीक है यार ठीक है ठीक है चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं ये है आपका पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार पांच शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है तो ये हैं आपके एम एन जगदीशन एन जगदीशन इन्होंने क्या किया है आ, आ, सर यहां पे ना सबको ऑफिस आना पड़ता है सबको ऑफिस आना पड़ता है ठीक है हाँ इन्होंने क्या किया है कि एन जगदीशन की बात करें तो विजय हजारे इवेंट में लगातार शतक बनाने वाले लगातार शतक बनाने वाले यह पहले खिलाड़ी बन गए हैं यह है पहले खिलाड़ी बन गए हैं और इनकी बात करें बिल्कुल अब कमेंट बॉक्स कमेंट में कोई इधर उधर की बातें नहीं करेगा सिर्फ पढ़ाई होगी उसके बाद हम लास्ट लास्ट में पढ़ेंगे मतलब कमेंट करेंगे ठीक है ठीक है और आ, मतलब इनकी बात करें तो आ, किसी भारतीय द्वारा किसी भारतीय द्वारा ये पहला रिकॉर्ड कायम किया गया है विजय मतलब आपके जो विजय हजारे ट्रॉफी है उसमें इन्होंने लगातार कितने कौन से शतक बनाए हैं सतहत्तर गेंदों में इन्होंने 77 सेवन गेंदों में इन्होंने सौ रन बनाए हैं ओके, ठीक है <laughs> और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो विजय जारे ट्रॉफी हमारी चल रही है उसमें आ, क्या कहते हैं दोहरा शतक बनाने वाले ये हमारे कौन से भारत के छठवें खिलाड़ी हैं भारत के छठवें खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है Uh, किसी भी विजय आजार्य ट्रॉफी में दोहरा शतक बनाने वाले ये छठवें नंबर के खिलाड़ी हैं सतर गेंदों में इन्होंने सौ रन बनाए हैं और ऐसा करने वाले ये कौन से भारतीय हैं पहला रिकॉर्ड कायम किया है हमारे किसी भारतीय ने इस इस गेम में ठीक है तो इसका लगातार पाँच शतक बनाने वाले ये कौन से हैं ठीक है एन एन जगदीशन है हमारे जिन्होंने भारतीय खिलाड़ी है, पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार पाँच शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है ओके ठीक है ये इनके बारे में है कि इस मतलब जगदीशन ने क्या किया है कि बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था विजय जारे ट्रॉफी का बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था बिल्कुल अब कोई इधर उधर की बात नहीं करेगा बिल्कुल थैंक यू थैंक यू बिल्कुल पहले रोहित शर्मा है और इस नंबर की बात करें तो ये छठवें खिलाड़ी हैं ऐसा करने वाले ये छठवें खिलाड़ी हैं और ठीक है बेंगलुरु में इस खे, इस खेल का आयोजन किया गया था बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में और अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में छः राउंड के ग्रुप में स्टेज मैच के दौरान सतहत्तर गेंदों में सौ रन की पारी खेली है ये ध्यान रखिएगा सौ रन की पारी खेली है और विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले ये छठे बल्लेबाज भी हैं ये छठे बल्लेबाज भी हैं ओके ठीक है यहां तक हो गया मेन इंफॉर्मेशन आपकी आई थी आपका दूसरा क्वेश्चन है कि ने संन्यास की घोषणा की इन इनका संबंध किस, किस खेल से है तो ये कौन सा खेल खेलते हैं ये खेलते हैं फार्मूला वन रेसिंग फार्मूला वन रेसिंग क्या है एक कार रेसिंग है जो अलग अलग कंपनियां जो ड्राइवर होते हैं उनको कार चलाने के लिए प्रस्तावित करती हैं जिसके कारण इन्होंने हाँ बिल्कुल कई विश्व रिकॉर्ड इनके नाम है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है ओके इनके बारे में देख लेते हैं इनके बारे में देख लेते हैं कि ये फार्मूला वन रेसिंग से रिलेटेड हैं और अभी धाबू, अभी धाबू के ग्रांड प्रिक्स अभी जो अभी धाबू ग्रांड प्रिक्स हुआ था इनका ये आखिरी मैच था इनका ये आखिरी मैच था अभी धाबू में अभी इन्होंने लास्ट मैच जीता है अभी धाभू का ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने देख जीता है और दसवें स्थान पर है ये और इनका ये लास्ट मैच हुआ है ठीक है और सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये रेडबुल के लिए रेडबुल कार रेसिंग करते हैं रेडबुल की तरफ से ही कार रेसिंग करते हैं ठीक है ओके रेडबुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे और इन्होंने अभी तक इन्होंने अभी तक 2010 से लेके 2013 के बीच में चार बार 2010 से लेके 2013 के बीच में चार बार फॉर्मूला वन चैंपियनशिप का खिताब जीता है ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे ओके ओके और देख लेते हैं इनके बारे में दो तो हजार दस से तेरह के बीच में इन्होंने चार बार फार्मूला वन रेसिंग कार जीता है ठीक है और अगर किसी और की बात कर ले फार्मूला वन की बात कर ले तो फार फौर् फार्मूला वन में आपका कैनेडियन हो गया अजरबैजान हो गया मियामी हो गया फ्रेंच स्पेनिस आपका जितने भी ये ग्रैंड प्रिक्स होते हैं ये जीता है मैक्स वेरेस्टेपर ने ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है किसने फ्रेंच ग्रैंड पिक्स फार्मूला वन ग्रैंड पिक्स जीता है तो किसने जीता है मैक्स वेरेस्टेपर ने ये ध्यान रखिएगा और वो किसके खिलाड़ी हैं वो किसके खिलाड़ी हैं कौन सी कार के लिए कौन सी कार के लिए वो ड्राइविंग करते हैं ये बताइएगा और ये है आपके देश कौन से देश तो से बिलोंग करते हैं मैक्स वेस्टेपन तो नीदरलैंड से नीदरलैंड <laughs> से हाँ इन्होंने सन्यास की घोषणा कर दी है कि अब मैं कार नहीं चलाऊंगा बहुत हो गया अब मेरे को गाड़ी से दूर रहना इसलिए उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और इनका संबंध किस खेल से है तो फार्मूला वन रेसिंग कार से है ये ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन है कि आई एफ एफ आई ने इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किस आ, किसे दिया है किसे दिया है ये बताना है आपको आई एफ एफ आई का फुल फॉर्म मैं बताऊं तो इन, आ, इंडियन इंटरनेशनल इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल ठीक है हुँ. ठीक है और इसका 2023 2022 में कौन सा संस्करण है तो तिरपनवा संस्करण है ये भी ध्यान रखिएगा पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया है इंडियन फिल्म फिल्म फेस्टिवल में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया है तो ये दिया गया है आपके चिरंजीवी को ये कौन है आपके हमारे जो साउथ इंडिया के साउथ इंडिया के फिल्म कलाकार हैं ये ठीक है मतलब एक अभिनेता हैं साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और इन्हें ही इस बार का तिरपनवा पर्सनालिटी मतलब फिल्म फेस्टिवल में तिरपनवा तिरपनवे संस्करण के फिल्म फेस्टिवल में इन्हें ही पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दिया गया है ओके बिल्कुल 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 और सबसे अच्छी चीज ये है कि जब इन्हें ये अवार्ड दिया गया उसके बाद मोदी जी ने भी ट्वीट करके इनको बधाइयाँ दी बोला कि चिरंजीवी आपके लिए बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं आपका फ्यूचर सिक्योर हो ठीक है ऐसा नहीं बोला था मैं ये मैं अपनी तरफ से ऐसा बोल रही हूँ कि मोदी जी ने ट्वीट करके इनको बधाई दी थी ठीक है और ये हमारे साउथ के हैं तेलुगु कलाकार हैं अभिनेता हैं फिल्म में एक्टिंग करते हैं ओके यहाँ तक हो गया आगे देखते हैं इनकी फ़ोटो लगी है मैं दिखाना चाहती हूँ ये देखिए सबको याद आ गया होगा नाम किसी को याद रहे ना रहे चेहरा ज़रूर याद होगा है ना बिल्कुल चेहरा सबको याद होगा ठीक है ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई ये भी ध्यान रखिएगा कि चिरंजीवी ने अपने करियर में डेढ़ सौ से अधिक फिल्में आ, मतलब फिल्मों में अभिनय किया है मतलब फिल्म किया है उन्होंने डेढ़ सौ से अधिक फिल्मों में और तेलुगु तमिल हिंदी सभी फिल्मों में अभिनय किया है दो में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था दो में इन्हें पद्म भूषण भी मिला है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बस दो मिनट रुकीगा बस दो मिनट रुकीगा मैं कुछ वो करना चाहती हूँ अभी पच्चीस लोग थे हमारे साथ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बस दो मिनट रुकिएगा अरे यार ये बार बार एक ही कमेंट नहीं करते ठीक है बार बार एक ही कमेंट नहीं करते 嗯。<laughs> बार बार एक ही कमेंट नहीं करते हमने अभी इनके बारे में क्या क्या पढ़ा कि तिरपनवा इंडियन फिल्म, फिल्म फेस्टिवल का ये तिरपनवा संस्करण है ठीक है चिरंजीवी ने डेढ़ सौ से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और इन्हें अभी हाल ही में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर फिल्म फेस्टिवल में पर्सनालिटी ऑफ़ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है दो हज़ार सोलह में इन्हें पद्म पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और इन्होंने अभी तक डेढ़ सौ से ज़्यादा फिल्में काम किया बीस नवंबर दो को इसका आयोजन कहाँ किया गया था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था तो गोवा में किया गया था ये आपके इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट uh, पॉइंट्स रहेंगे है ना बिल्कुल आगे देखते हैं आ, अगला क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है बिल्कुल आप अरे यार आज तो मैं भूल ही गई अब हम क्या करेंगे कि ज, जो भी बच्चे सबसे पहले किसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे मैं उनका नाम वोट पे लिखूंगी ठीक है बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ भले मेरी राइटिंग गंदी आती है पर मैं उनका नाम बोर्ड में साफ साफ अक्षरों से लिखूंगी इसका आंसर बताइए जो पहले आंसर देगा मैं उसका नाम बोर्ड पे लिखूंगी। पर लिखूंगी ठीक है ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है कहाँ किया गया है सानू सर ने सबसे पहले आंसर किया है और एकदम सही आंसर किया है ठीक है नहीं यार सानू ने नहीं सानू से पहले भी किया है इनका नाम है डी ए सी ए आई टी सॉरी इनका नाम लिख दूं मैं डी ए सी ए आई टी इन्होंने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया है ठीक <laughs> so sorry, so sorry, है ठीक <laughs> है हम्म इसका सही आंसर आपका जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर ठीक है इसका उद्घाटन किसने किया है तो इसका उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह ने इन, इन ये कौन से मंत्री हैं आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है इसका उद्घाटन किया आपके जितेंद्र सिंह ने इसका आयोजन कहाँ पर किया था जम्मू कश्मीर पे किया किया था और ये ई e गवर्नेंस का पच्चीसवा संस्करण है ई e गवर्नेंस पर ये राष्ट्रीय सम्मेलन का पच्चीसवा संस्करण है ये भी ध्यान रखिएगा। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं संस्करण से कि कौन सा संस्करण है बिल्कुल मैं इसीलिए इनका नाम लिखा था मैंने कि अपना सही नाम बताए इनका नाम है अभय ठीक है अब सर आपका आंसर एकदम सही था इस क्वेश्चन के लिए आपने सही आंसर दिया आपको एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो देगा आपका पड़ोसी <laughs> जो देगा आपका पड़ोसी ठीक <laughs> है पच्चीसवें संस्करण का आयोजन हुआ पच्चीसवा संस्करण था इसका किसने उद्घाटन किया जितेंद्र सिंह ने किया है जम्मू कश्मीर में किया है और क्या है कि इस इस बैठक में आपके पांच श्रेणियों में पुरस्कार बांटे जाएंगे इस बैठक में पांच श्रेणियों में पुरस्कार बांटे जाएंगे और इसकी थीम क्या है इसकी थीम क्या है ये देख लीजिए इसकी थीम है इस सम्मेलन की थीम है कि ब्रिंगिंग सिटीजन्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोज़र इसकी थीम याद रखिएगा इस्क्रीन शॉट ले रखें स्पेशली ये लाइन स्पेशली ये लाइन थीम याद रखी थीम याद रखिएगा थीम इम्पॉर्टेंट होती है आपकी जैसे अगर आप डेट पढ़ रहे हैं कोई भी डेट है आपका कोई भी दिवस मैं दिवस की बात कर रही हूँ वो वो वाले डेट की बात नहीं कर रही हूँ जो फरवरी में आता है मैं नॉर्मल दिवस की बात कर रही हूँ जो भी हम करेंट अफेयर में पढ़ते हैं उस दिवस की पर्टिकुलर थीम क्या होती है ये भी ध्यान में रखिएगा थीम से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं और आपका जो स्लोगन रहते हैं स्लोगन किसी गेम का आ, स्लोगन क्या है ये भी पूछता है ओके okay. <laughs> नहीं दिया उसे बोलना कि तुम्हें देना है ठीक है वो देना दे उसके ऊपर डिपेंड करता है पर आप बोलना कि मैंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया मुझे एक करोड़ रुपए चाहिए ठीक <laughs> है इस क्वेश्चन से ये इंपॉर्टेंट था कि जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है किसने किया है तो केंद्रीय मंत्री हमारे जितेंद्र जितेंद्र सिंह सर ठीक है और इसकी थीम क्या है तो ये थीम है इसकी पांच श्रेणियों में इस पुरस्कार को बांटा जाएगा ओके okay. अगला क्वेश्चन आपका पांचवा पा क्वेश्चन है आपका पांचवा पा क्वेश्चन है <laughs> अगर यहाँ पे आ, कोई भी हो जो एक दूसरे के पड़ोसी हो तो ध्यान रखें कि आप दोनों अपने अगल बगल वाले पड़ोसी से मांगे ठीक है आपका पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजन किया गया है इतिहास में अजात शत्रु अजात शत्रु का मतलब होता है अपने शत्रुओं को मारने वाला ठीक है या फिर अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करने वाला ये किसे कहा जाता है अभी क्वेश्चन को ये मुझे शत्रुनाश देख के याद आया तो इतिहास की बात दोहरा ली ओके okay? हाँ किसे कहते हैं ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर देखो किसने पहले दिया है ठीक है सानू ओके सानू ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया है <laughs> हाँ लिख दिया मैंने लिख दिया लिख दिया ठीक है लिख दिया हाँ आज पलक नहीं दिख रही है क्या बात है आज पलक नहीं दिख रही है बीमार बीमार तो नहीं हो गए देखो भाई पढ़ना है स्वस्थ रहना है, बहुत ज़रूरी है आप डेली एक एक फ्रूट खाया करिए ठीक है अस्वस्थ रहिए बिंदु सार अरे वाह अरे वाह बिंदुसार अब हमने सबसे पहले आंसर दिया बिंदुसार नाशक की उपाधि किसे दी गई है इतिहास में बिंदुसार को दी गई है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका राजस्थान आपका राजस्थान राजस्थान में 21 नवंबर को राजस्थान में 21 नवंबर को क्या हुआ है एकीकृत एकीकृत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है ये किसके बीच हुआ है जिसका नाम दिया है शत्रुनाश शत्रुनाश इसका ना नाम दिया गया है हाँ बस बस दो मिनट रुकिएगा। ठीक है हम्म इसके बारे में देख लेते क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं अपन हाँ <laughs> बिल्कुल अनुराग सर आप डेली स्टूडेंट हैं मैं जानती हूँ आपको <laughs> अच्छा एक हज़ार के जी के बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे अरे वाह आप लगता है वहीं पे खड़े थे मैं आप वहीं पे खड़े थे ये लोग अभ्यास कर रहे थे आप वहीं पे खड़े थे हाँ ठीक है ये पहला ये दूसरा ये तीसरा इसका इसका इतने किलोग्राम है ये इतने किलोग्राम का है है हाँ, ना ऐसा होता है कई लोग रहते हैं ठीक है तो भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का राजस्थान में आयोजन किया गया है ठीक है इसका कहाँ पर आयोजन किया गया है तो राजस्थान पे किया गया है भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने 21 नवंबर no. 2022 को राजस्थान के थार रेगिस्तान में थार रेगिस्तान पे राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास जिसे हम नाम दिए हैं शत्रुनाश ठीक है जिसे हम नाम दिए हैं शत्रुनाश का आयोजन किया गया था ये जमीनी और हवाई जमीनी और हवाई दोनों चरणों पे मतलब इस अभ्यास के दो चरण किए गए थे दो चरणों में इसका आयोजन किया गया था एक था जमीनी दूसरा था हवाई युद्ध अभ्यास दोनों शामिल करते हुए एकीकृत एक तरीके से बहुद्देशी फायरिंग प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया गया ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे ऐसे ही कुछ अभ्यास पूछते हैं मैं आपसे उनके नाम लिख के बताती हूँ एक ये किन किन किंद, भारत और किसके बीच में आयोजित किया जाता है ये युद्ध युद्ध अभ्यास ये बताइए आपका पास पास एक्स एक्स ठीक है ये किन किंद, किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है ये बताइए किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है ये बताइए ऐसे ही आपका पूछा पूछा जाता है इंदिरा इंदिरा इंद्रा ये किन दो देशों के बीच में युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है ये बताइए ठीक है हमें भारत मतलब इस एक युद्ध अभ्यास के साथ तीन अलग युद्ध अभ्यास दौरान है जिसमें पहला एक दूसरा है पासिक्स तीसरा है आपका इंद्रा तो आपका भारत और मालदीव के बीच में होता है भारत और मालदीव के बीच में होता है पासेक्स की बात करें तो आपका भारत और रूस के बीच में होता है अभी रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण यह आपका युद्ध अभ्यास काफी इंपॉर्टेंट बनता है यह भी ध्यान रखिएगा आपका इंदिरा भी भारत और रूस के बीच में होता है भारत और रूस के बीच में होता है यह भी ध्यान रखिएगा चाइना के साथ नहीं होता है चाइना के साथ होता है हैंड इन हैंड ओके ठीक है ओके okay. आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका छठवा क्वेश्चन है आपका छठवा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा मदन जीत सिंह पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है मतलब कि यह पुरस्कार जो मदन जीत सिंह पुरस्कार है यह 2022 में किसे दिया गया किसे दिया गया है ये बताना है ओके पाकिस्तान का तो ना मतलब यार दिन खराब हो जाएगा ठीक है हम्म ओके <clears throat> okay, तो इसका सही आंसर है आपका ए इसका सही आंसर है आपका ए किसने किसने आ अनुराग सर ने सबसे पहले आंसर दिया है अनुराग सर ने सबसे पहले आंसर दिया है और वो भी सही आंसर दिया है ठीक है ओके अच्छा ठीक है ठीक है ओके okay. ध्यान रखेंगे है ना हाँ मदनजीत सिंह पुरस्कार किसे दिया गया है तो आपका फ्रांका मा ए सुलेम योग आ, सुलेम योग को दिया गया है इनके बारे में जान लेते हैं कि जो पुरस्कार है मदनजीत सिंह पुरस्कार ये हर दो वर्ष में दिया जाता है प्रत्येक दो वर्ष में दिया जाता है और क्यों दिया जाता है अहिंसा को <coughs> अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए जो भी व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र पे अहिंसा के खिलाफ काम किया है मतलब तो अहिंसा के अहिंसा परमो धर्मा के रूप में लाया है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है किसकी तरफ से दिया जाता है तो इसकी शुरुआत गांधी जयंती के अवसर पर नाइनटीन में आ, किसने की थी इन्होंने ही की थी मदनजीत सिंह ने की थी ओके और इनके और इनके बारे में जानते हैं ये इन्हें दिया गया है इनका नाम है फ्रेंका ठीक है इनके बारे में ध्यान रखिएगा ठीक है उन्नीस ये यहाँ पे लिखा हुआ उन्नीस सौ लेकिन ये है उन्नीस का ठीक है उन्नीस में इसका अनावरण किया गया था 125 सौ पच्चीस गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पे आगे देखते हैं आगे देखते हैं आपका ये अगला क्वेश्चन है और आपका सातवां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रीड इंटरेक्टिव इंटरैक्टिव होना चाहिए था ये इंटरेक्टिव है आपका इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला राज्य कौन सा है भारत के सबसे अधिक स्थापित ग्रीड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा वाला राज्य कौन सा इसका सही आंसर क्या हो सकता है सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा तो पहले पे है आपका कर्नाटक पहले स्थान पर है आपका कर्नाटक दूसरे में है आपका तमिलनाडु दूसरे में आपका तमिलनाडु तीसरे में है आपका गुजरात तीसरे में है आपका गुजरात ओके okay, बहुत अच्छे किसके द्वारा दिया गया है इसके बारे में जान लेते हैं कर्नाटक में भारत के सबसे अधिक स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला राज्य बन गया है कौन सा कर्नाटक देश के सभी राज्यों की ग्रीट इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा की स्थापना की तुलना में करते हुए कर्नाटक स्थान पर आरबीआई के अनुसार आरबीआई के अनुसार सीधी सीधी बात बता रही हूँ कि आर के अनुसार इसकी कर्नाटक की जो कुल आपकी क्षमता है ऊर्जा की यह है पंद्रह मेगावाट की ठीक है जो सबसे ज़्यादा है भारत में सबसे ज़्यादा है इनकी ये स्टैटिक डाटा भी आरबीआई ने लॉन्च किया था जिसके अनुसार जो कर्नाटक है इसकी जो ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है ये सबसे ज़्यादा है भारतीय राज्यों में दूसरे स्थान पर है आपके तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है आपका गुजरात ये सारा डाटा आपके सामने दिया हुआ है ये लाइन ध्यान रखिएगा ठीक <laughs> है अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका आठवां क्वेश्चन है कि विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है और यह मनाया क्यों जाता है यह मनाया क्यों जाता है तो ये मनाया जाता है आपके संस्कृति और विरासत और विरासत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है और इसका सही आंसर है आपका 19 से 25 नवंबर 2022 19 से 25 नवंबर 2022 को विश्व विरासत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ही आपका पूछता है कि विश्व विश्व विरासत विरासत दिवस दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपका अठारह अप्रैल को यह भी ध्यान रखिएगा और अभी लेटेस्ट में विश्व विरासत स्थल की घोषणा की गई थी जिसमें भारत में टोटल 40 टोटल ४० विश्व विरासत स्थल है अभी लेटेस्ट में कौन बना चालीसवा कौन सा है? ये बताइए चालीसवा कौन सा है? ये बताइए चालीसवा आपका धौला भीरा। धौला भीरा। और उनतालीसवा कौन सा है तो उनतालीसवा है आपका रुद्रेश्वर मंदिर रुद्रेश्वर मंदिर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और ये कहाँ पड़ता है रुद्रेश्वर मंदिर आपका पड़ता है तेलंगाना में तेलंग गाना यह आपका उनतालीसवा है ठीक है आगे बढ़ते हैं नवंबर नंबर 2022 तक शुरू होने वाले विश्व विरासत सप्ताह मनाया जा रहा है कहां पर मनाया जा रहा है आपके अभिलेखागार पुरातत्व तो संग्रहालय विभाग द्वारा उन्नीस नवंबर से पच्चीस नवंबर को इसकी स्थापना की गई सप्ताह संस्कृति ठीक है जो मैंने अभी बताया वहीं पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो भी आ, मोटी मोटी बातें रहती हैं वो मैंने बता दी हैं कि अभी हाल ही में विश्व संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है पच उन्नीस से पच्चीस नवंबर के बीच में मनाया जाता है अभी लेटेस्ट में जो विरासत स्थल घोषित किए गए थे उनका भी नाम बता दिया चालीसवाँ कौन सा है उनतालीसवां कौन सा है ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है आगे देखते हैं आपका नौवा क्वेश्चन है आपका नौवा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में तेरहवा द्विपक्षी नौ, नौ सैनिक अभ्यास नसीम अल दो हजार किस देश के साथ हुआ है भारत और किस देश के साथ आपका द्विपक्षी तेरहवा द्विपक्षी नौ सैनिक अभ्यास हुआ है इसके बारे में बताइए हम्म, ठीक है तो ये हुआ है आपके भारत और ओमान के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और ओमान के बीच में हुआ है इसका आयोजन कहां पर किया गया था इसका आयोजन ओमान के तट पर किया गया था आयोजन आपके ओमान के तट पर हुआ था ओमान के तट पर हुआ था और अभ्यास का जो अभ्यास को कितने चरणों में पूरा किया गया था तो ये हुआ था दो चरणों में अभ्यास का आयोजन दो चरणों में हुआ था एक था पहला था आपका बंदरगाह बंदरगाह मतलब ये बंदरगाह बंदरगाह पे भी होगा और दूसरा था आपका समुद्र चरण ठीक है ये भी ध्यान रखिएगा और अगर पहले की बात करें किसका इस अभ्यास का आयोजन पहली बार कब हुआ था तो 1993 में हुआ था 1993 में हुआ था ठीक है और अभी लेटेस्ट पिछली बार की कब हुआ था 2019 में हुआ था 2019 में हुआ था कहाँ पर हुआ था तो गोवा में आयोजित आयोजित किया गया था ये भी ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भी हाल ही में भारत सरकार के पत्रकार दानिश मंजूर भट्ट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसी दिन ऐसा होता है कि सबसे आ, मतलब सबसे बोल रही हूँ कि दिवस के दिवस दिवस के क्वेश्चन रहते हैं सबसे ज्यादा दिवस के क्वेश्चन रहते हैं हम्म <coughs> तो पत्रकार दानिश मंजूर भट्ट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये बताइए हम्म ये दिया गया है आपके डी जयपुर फूड यूएसए जयपुर फूड यूएसए ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है इन्हें क्यों दिया गया है कोविड नाइन्टीन के दौरान कोविड नाइन्टीन के दौरान इन्होंने सबसे ज्यादा मानवीय मदद की थी ठीक है इन्होंने कोविड नाइन्टीन के दौरान सबसे ज्यादा मानवीय मदद की थी और ये कहाँ के रहने वाले हैं तो कश्मीर घाटी के कश्मीर घाटी के कितनी सुंदर जगह है कश्मीर घाटी के रहने वाले हैं कोविड नाइन्टीन के दौरान इन्होंने सबसे ज्यादा मानवीय मदद की थी जिस कारण इन्हें मतलब ये हमारे पत्रकार हैं दानिश मंजूर भट्ट इन्हें अभी जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपका ये कोविड से रिलेटेड है तो में भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए ध्यान रखिएगा पढ़ने में क्या जाता है ओके okay? ठीक hmm. <coughs> है और जो ये आपको पता ही होगा कि जो पुरस्कार है इसका नाम ही नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जयपुर पूर्व यूएसए द्वारा ये दिया जाता है और पहली बार ये अभी दिया गया है मतलब अभी अभी, 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 अभी अभी की गई है अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन आपका ग्यारहवा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कथक नृत्यांगना कथक नृत्यांगना नृत्यांगता नृत्यांगना होना चाहिए था उमा शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यहाँ पे आज टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा है पर ध्यान मत दीजिएगा कि अभी हाल ही में कथक नृत्यांगना उमा शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुमित्रा चरत राम पुरस्कार सुमित्रा चरत राम पुरस्कार सुमित्रा चरत राम पुरस्कार और इन्हें ये क्यों दिया गया है ये मतलब ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है तो कला एवं संस्कृति कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है और आपके आ, उमा शर्मा की बात करें उमा शर्मा जी की बात करें तो इन्हें 1973 में इन्हें 1973 में क्या दिया गया है तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है ठीक है मतलब इन्हें 1973 में पद्मश्री श्री भी से भी सम्मानित किया जा चुका है और अभी 2022 में इन्हें सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार दिया जाता है तो कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है लगता है मैं इधर आती हूँ तो दिखती नहीं हूँ पर यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहता है कोई नहीं हाँ अब बात चलिए कथक की तो कथक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कथक किस किस राज्य का लोक नृत्य है कथक किस राज्य का लोक नृत्य है आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में ठीक है ठीक है और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी इस पुरस्कार की शुरुआत आपके 2010 से हुई थी ठीक है यह भी ध्यान रखिएगा कमेंट चेक कर रही हूं मैं तो आज के लिए आपके ग्यारह क्वेश्चन थे लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो मैं लिख के लेके आई थी आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जो मैं लिख के लेके आई थी आप लोगों के लिए उसे भी नोट डाउन करिएगा वो क्वेश्चन आपके लास्ट लास्ट तक में आए थे जिसके कारण वो स्लाइड पे नहीं है लेकिन मेरे पास है तो वो क्वेश्चन है आपके कि रसना के संस्थापक हैं रसना के संस्थापक हैं ऑरिज और परोजसा औरज परोजसा संबाटा जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है यह ध्यान रखिएगा कि रसना के संस्थापक हैं जिनका नाम है और इस परोजसा संबाटा इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है पचासी साल की उम्र में रसना के संस्थापक थे मतलब जब हम छोटे थे तब तो रसना पीते ही थे यहाँ पे किसने किसने रसना पिया है मैं तो लड़ जाती थी अपनी मम्मी से ठीक है और एक और न्यूज़ है एक और इन्फॉर्मेशन है कि हमारे जितने भी बैंक होते हैं आपके पी बैंक उनमें जितने भी सी और एम का कार्यकाल है पहले था सा पाँच वर्ष और पाँच वर्ष पाँच वर्ष और साठ वर्ष की आयु पाँच वर्ष का कार्यकाल और साठ वर्ष की आयु ये फिक्स कर दी गई थी लेकिन अब क्या हो गया है कि दस वर्ष का कार्यकाल और साठ वर्ष की आयु ये भी ध्यान रखिएगा कि बैंकों के जितने भी सी और एमडी होते हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है पहले पाँच वर्ष और साठ पाँच वर्ष का कार्यकाल और साठ वर्ष उम्र होती थी रिटायरमेंट की अब क्या हो गया कि दस वर्ष का कार्यकाल और साठ वर्ष उम्र हो गई है ओके okay. ठीक <laughs> है हाँ यही तो पूछ रही हूँ मैं कि जब आप छोटे थे तब रसना पीते थे या नहीं अभी तो सब बड़े हो गए रसना देखे कितना टाइम हो गया आप पीने की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? तो चलिए आज के लिए इतना ही आपके बारह बारह तेरह क्वेश्चन थे ग्यारह क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे थे दो क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं वो भी ध्यान रखिएगा ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच क्लास ऐसे ही प्यार बनाए रखें थैंक यू